नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करेंगे जोमैटो के ऊपर, और इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है कि कई लोगों का ये मानना है कि क्या अब जोमैटो में नया निवेश किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा तरीके से दोस्तों ये भागा है ऊपर, प्लस रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन कईयों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर लॉस इतना बड़ा है तो भी शेयर के इस रिजल्ट को अच्छा क्यों माना जा रहा है। ठीक है, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए जोमैटो के ऊपर? क्या एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो एक अच्छे मुनाफे में उसे पैसा लेके निकल जाना चाहिए, और क्या नए निवेशक को उसमें अभी पैसा लगाना चाहिए? हर एक बात में इत्मीनान से चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो ये औरों को भी रिकमेंड होता है दोस्तों। ठीक है, और जोमैटो एज अ शेयर मुझे पर्सनली पसंद है दोस्तों, लेकिन मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग अभी इसमें नहीं है। तो बिना टाइम गवाए चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए दोस्तों, लगभग आज 4.25% की दोस्तों इसमें आपको तेजी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, 4.25% की तेजी, और ये तेजी लगातार जारी थी दोस्तों रिजल्ट से पहले। आप देखिए, 5 दिन में ऑलमोस्ट 8% ज्यादा की तेजी है। ठीक है, यानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको पता था कि शेयर अच्छे शायद आ सकते हैं, शेयर के रिजल्ट, और इसीलिए इसमें तेजी बनाई गई थी। ठीक है, तो रिजल्ट तो ठीक है, बट सब लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर, लेकिन लॉस जो वाइडन हुए हैं फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि शेयर अच्छा है या रिजल्ट अच्छा है। देखिए दोस्तों, उसके कारण है, अपन चर्चा करेंगे आराम से। देखिए, जोमैटो Q2 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर्ज्ड टू ₹1,094 करोड़ एज कंपेयर्ड ₹426 करोड़ फॉर द सेम पीरियड अ ईयर अगो। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस आया है वो 1,024 करोड़ दोस्तों, जो कि 426 करोड़ था। तो आप जम समझ सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो रिपोर्टेड वाइडनिंग ऑफ इट्स कंसोलिडेटेड नेट लॉस टू ₹435 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड सेप्टेंबर एज कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 230 करोड़ इन अ ईयर अगो क्वार्टर। ठीक है, शेयर्स ऑफ जोमैटो वर ट्रेडिंग नियरली 2% हाई एट 1 पीस। देखिए दोस्तों, लॉस हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी तो बढ़ा है। ठीक है, और लॉस का मेन कारण क्या है ये भी हमें जानना है। तो देखिए, लॉस का मेन कारण कई लोग बोलते हैं कि जो डिलीवरी चार्जेस हैं उसके बढ़ने के कारण लॉस बढ़ा है, और एक चीज जो रीजन है आप इधर देखिए कि दूसरी बात यह है, द कंपनीज लॉस वेंट अप मेनली ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द ग्रोथ ऑफ इट्स फूड डिलीवरी बिजनेस एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस। जोमैटो अनवील्ड इट्स 3 key इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स क्योरफिट, मैजिक पिन एंड शिप रॉकेट। दोस्तों, ये जो इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, इसी कारण इनका जो लॉस है वो बढ़ा है। ठीक है, और ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ये अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में है, जो कि अपने कोर बिजनेस पे दोस्तों फोकस करने के कारण इन्होंने 3 स्टार्टअप में पैसे लगाए। नाउ जोमैटो प्लान्स टू डिप्लॉय अनदर $1 billion इन नेक्स्ट 1 to 2 years विथ एन आइडिया टू एड मल्टीपल लार्ज कोर बिजनेस टू एग्जिस्टिंग कोर। ठीक है, देखिए, आने वाले 1 से 2 साल में जोमैटो का यह कहना है कि हम $1 से $2 billion का इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक जो अपना कोर बिजनेस तो है ही, उन्हें एक और एग्जिस्टिंग कोर बिजनेस बनाना है। नाउ पर्टिकुलरली इन द हाइपर लोकल ई कॉमर्स स्पेस, जो लोकल जो ई कॉमर्स स्पेस होता है ना दोस्तों, लोकल की तरफ, उसमें इनको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, नाउ सम ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन मर्जर एंड रिमेनिंग वुड जनरेट फाइनेंशियल रिटर्न ऑन लर्निंग फॉर जोमैटो। देखिए दोस्तों, स्टार्टअप के साथ कुछ इश्यूज हैं, वो यही हैं। आप इस लाइन को पढ़िए और समझिए, एज ए इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट की जो कोर वैल्यूज है उसमें एक खरा उतरता है। सम जो इन्वेस्ट करेंगे, सम ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन मर्जर। ये पहले से ही सोच रखे हैं कि जो इन्वेस्ट करेंगे वो कुछ तो मर्जर में चले जाएंगे, एंड रिमेनिंग वुड जनरेट फाइनेंशियल रिटर्न, कुछ फाइनेंशियल रिटर्न में उनको गेन होगा लेकिन कुछ से, और लर्निंग फॉर जोमैटो, कुछ लर्निंग होगी जोमैटो के लिए, यानी वो अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे। तो आप समझिए, आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और लोग भर भर के लगा रहे हैं, जो ऑलरेडी ये मान रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट इनके खराब हो जाएंगे और कुछ इसमें और कुछ ही जो इसमें मर्जर की तरफ चले जाएंगे और कुछ इसे पैसे कमाएंगे।
तो आप देखिए आजकल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो कोर फंडामेंटल थी वहां से हटके कितनी भयंकर रिस्की हो गई है। ठीक है, ये किसने कहा है? सेड जेफरीज इन अ नोट। नाउ द ब्रोकरेज हैज अ बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 175 अ पीस। ठीक है, तो देखिए इस शेयर को दोस्तों मैं ना थोड़ा रिस्की मानता हूं और मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करूंगा। किया था एक बार में मैंने, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल गया था। बट वो लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो वाकई चाहते हैं कि इन स्टार्टअप में पैसे लगाना, तो ये स्टॉक उनके लिए अच्छा है दोस्तों, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए या वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, उनके लिए अच्छा है। ऐसे इन्वेस्टर प्लीज उससे दूर रहें जो कोर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी खराब न्यूज आएगी गाइस बहुत बड़ा झटका देगी इस शेयर को। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच है जोमैटो के, ये बात याद रखिएगा। और मुझे जोमैटो बहुत एक्सपेंसिव लगता है करंट प्राइस पे भी। ठीक है, और अब तो ये दोस्तों 52 वीक हाई के आसपास ही है। ठीक है, नाउ देखिए जोमैटो में सबका क्या कहना है। नाउ जोमैटो सेड दैट इट इज इन द प्रोसेस ऑफ डीवेस्टिंग और शटिंग डाउन इट्स नॉन कोर बिजनेस विच वी आर नॉट गोइंग टू सिग्निफिकेंटली मूव द नीडल फॉर शेयर होल्डर इन लॉन्ग टर्म। देखिए ये एक अच्छी चीज है, ये साफ साफ कह रहे हैं भैया जो भी नॉन एग्जिस्टिंग कोर बिजनेस हम उसको अब बंद करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म हमारे शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं दे, ये एक पॉजिटिव है। नाउ दोस एट एम्बिट कैपिटल सेड दैट जोमैटोस Q2 रेवेन्यू वॉज बेटर देन एक्सपेक्टेड बट केम एट कॉस्ट विथ अराउंड 82% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज इन एडजस्टेड एबिटा लॉसेस। दे सी द ग्रोथ टू कम टू कॉस्ट कम एट कॉस्ट एंड कुड पुश बैक प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए एम्बिट कैपिटल यानी ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना है कि देखिए जोमैटो के जो रेवेन्यू आए हैं क्यू टू वो मतलब जो एक्सपेक्टेशन थे उससे अच्छे हैं, और उसकी सबसे बड़ा कीमत किसने चुकाया है उसके दोस्तों प्रॉफिट्स ने। कैसे? क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें 82% की जो इबिटा लॉस है वह एडजस्ट किया गया है। नाउ वी वुड वेट एंड वॉच फॉर द सक्सेस ऑफ दिस इन्वेस्टिंग कंपनीज एंड बिलीव इट माइट बी प्री मैच्योर टू अकॉर्ड एनी प्रीमियम टू इन्वेस्ट कैपिटल। वी रिटेन सेल विथ एन अनचेंज टारगेट प्राइस ऑफ 127। देखिए एम्बिट कैपिटल का भी यही साफ कहना है कि भाई वैल्यूएशन तो आप कब तक दोगे, आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी भी इन्होंने सेल की राय दी है और 127 का टारगेट दिया है। और दोस्तों पर्सनली मैं बताऊं मुझे ये शेयर बहुत महंगा लगता है। देखिए गलत हो सकता हूं मैं, मार्केट की लिक्विडिटी में ये शेयर बहुत तेज भाग जाए, बट एज ए इन्वेस्टर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे करंटली वैल्यूएशन बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों। और प्लस मार्केट में इतने अच्छे वैल्यूएशन में इतनी अच्छी कंपनी मिल रही हैं तो मैं क्यों इतना हाई रिस्क लूं, क्योंकि मैं उतना हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं हूं दोस्तों पर्सनली। अगर कोई है बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ जोमैटोस डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इंक्रीज बाय 5 रुपीज पर ऑर्डर ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ठीक है, जोमैटो की जो कॉस्ट पर डिलीवरी ऑर्डर है वो 5 रुपए बढ़ गई दोस्तों सीक्वेंशियल बेसिस में। दो द फूड डिलीवरी जॉइंट डजेंट एक्सपेक्ट द डिलीवरी कॉस्ट टू गो अप फर्दर एंड फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन स्टेइंग पॉजिटिव इन द माइंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म। ठीक है, लेकिन जोमैटो का ये मानना है कि भाई यहां से ज्यादा ये शेयर में अब तेजी नहीं आ सकती। ठीक है, मतलब कि जोमैटो सही पाथ में है बट अभी भी कैश बर्निंग मशीन है। तो एज अ इन्वेस्टर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज में ऐसे टाइम में जब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आपको बहुत अच्छे रेट में मिल रही हैं तो मैं वहां तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला दोस्तों जहां मुझे रिस्क बहुत ज्यादा दिख रहा हो। ठीक है, कह सकते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, इंतजार कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। हाँ कंपनी सही राह पे है, सही सही जगह इन्वेस्ट कर रही है, बट मैं वेट करूंगा शेयर के गिरने का और वहां से एक्यूमुलेट करूंगा दोस्तों। बट करेंट मार्केट प्राइस में जब शेयर भाग गया है और प्लस मार्केट का सेंटीमेंट इतना नेगेटिव है दोस्तों, ठीक है, जब मार्केट गिरेगा सारे शेयर गिरेंगे और जोमैटो भी उससे नहीं बचेगा, इसीलिए मैं तभी का इंतजार करूंगा जब ये शेयर गिरे और मैं जाके इसे खरीदूं दोस्तों। लेकिन अभी नहीं, शेयर को थोड़ा गिरने दीजिए। ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय थी। और दोस्तों देखिए मुझे ये डिस्कस करना था क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या हम इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। दोस्तों मैंने आपको अपनी राय शेयर की, अच्छी लगी हो लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहां तक देखने आप सभी का धन्यवाद। यह इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।